अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं हूँ हाजरा मुर्तज़ा फ्रॉम द चैनल हाजरा सेवन। और आज हम वैसे तो बनाने वाले हैं गोश्त का पुलाव, लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों से एक बात करनी है। वो ये है कि जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड की थी अबाउट माय मॉर्निंग रूटीन विद माय किड्स, तो उसमें मैं जो हूँ वो बेबीज़ को कुरान पाक पढ़ा रही थी। तो कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हमारे बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं कुरान पाक घर पे, तो आप कैसे पढ़ा लेती हैं और एंड ऑल दैट। तो मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को हैंडल करना बहुत आसान होता है, आपको थोड़े से ट्रिक्स यूज़ करने पड़ते हैं। मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था हमना को कुरान पाक पढ़ाना घर में, वो भी क्योंकि वो भी बहुत लाडली है और ये सारी चीज़ें थी। लेकिन मैं उसको अब अगर वो ज़िद करती है तो मैं उसको कुछ कहती हूँ, मैं तुम्हें ये दे दूँगी तो तुम पढ़ लो, तो ये सब कुछ करना पड़ता है। और वाई नॉट फॉर कुरान पाक, आप बाकी सब चीज़ों पे बच्चों को एग्री करने के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, तो कुरान पाक पढ़ने के लिए क्यों नहीं कर सकते? तो मैंने खुद भी कुरान पाक जो है वो घर में ही पढ़ा हुआ है। मेरे मेरी ग्रैंड मदर जो थी उन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया। तो ये सब घर में करना बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। आजकल एक ट्रेंड सेट हो गया हुआ है कि आप लोग जो है वो बच्चों को मस्जिद में भेज देते हैं या कारी सब लगवाते हैं, तो आप अगर कोशिश करें तो ये सब कुछ घर में हो सकता है। तो मैंने भी ऐसे ही किया है और इसके लिए मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना इस तरह से करना पड़ा क्योंकि हमना जो है वो बहुत लाडली है, ऊपर नीचे उसका हम लोग ऊपर रहते हैं तो सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ वो बहुत क्लोज़ है, तो कभी किसी के पास जा रही है तो सब कुछ होता है, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ता है इन चीज़ों को। तो डिफ़िकल्टीज आती हैं बच्चों को हैंडल करने में, डेफ़िनेटली आती हैं, लेकिन कुछ भी हो वो बच्चे ही हैं तो आप लोगों को उनको हैंडल करना आना चाहिए। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, तो अपनी रेसिपी। ये है हमारे पास गोश्त, गोश्त इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 1 kg। ओके, ये है हमारे पास लहसुन और ये है अदरक। यहाँ पर मैंने ली है सौंफ और ये साबुत गरम मसाला है मेरे पास। इन सब चीज़ों को मैं प्रेशर में डालूँगी, ठीक है? और प्रेशर में डालने के बाद मैं इनको स्टीम दूंगी फॉर 20 मिनट्स एट लीस्ट, ठीक है? और फिर हम उसके बाद जो मज़ीद है वो रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ अंदर, पानी थोड़ा सा गोश्त से ऊपर होना चाहिए, इसमें इजीली डिप हो जाए, ठीक है? मुझे लग रहा है इनफ है, तो मैं यहाँ पे इसको, मेरे पास ये जो गोश्त था ये फ्रीज़ हुआ हुआ था इसलिए वो ऐसे बना हुआ है, तो इसको अब मैं इसमें नमक ऐड करती हूँ ऑलमोस्ट 1 tablespoon, ये टीस्पून है तो मैंने 2 डाल दिए हैं, ठीक है? और हम इसमें ब्लैक पेपर भी डाल देंगे, वो भी तकरीबन 1 tablespoon ही डालेंगे। ये टीस्पून है तो मैं ये 2 डालूंगी, ठीक हो गया? अब हम इसको स्टीम देंगे 20 मिनट्स और उसके बाद इतनी देर में मैं चावल जो है भिगो के रख दूंगी, तो फिर उसके बाद हम मज़ीद इसका जो प्रोसीजर है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया, ठीक है? ओके गाइस, स्टीमिंग इज़ डन, तो अब हम इसका फर्दर प्रोसीजर करेंगे पुलाव बनाने का, तो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और अब मैं इसमें प्याज डालने लगी हूँ। तकरीबन 2 मैंने प्याज लिए थे, उसके स्लाइसेस बना लिए मैंने, इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। प्याज को आप उतना ही ब्राउन करेंगे जितना आप उसका कलर चाह रहे होंगे चावलों का, कि जिस तरह का कलर आया आप उस टाइप का प्याज को जो ब्राउन करेंगे। मैं यहाँ पर इसको लाइट सा ब्राउन करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राउन पुलाव हम लोग नहीं खाते, ठीक है? यहाँ पे मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ कि पहले भी मैंने जैसे बताया था कि मैं वीडियो एडिट नहीं करूँगी, मैं एज़ इट इज़ इसको डालूँगी क्योंकि बहुत टाइम लगता है और मेरे एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं और मुझे उसकी प्रिपरेशन भी करनी है और साथ किड्स को भी देखना है। सो आई एम नॉट गोना एडिट दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक दिस एज इट इज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्याज जो है वो तकरीबन ब्राउन हो चुका है और यहाँ पे मैंने गोश्त को अलहदा कर लिया था और यखनी को अलहदा कर लिया है, ठीक है? अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी सारे, आप लोग देखते रहिए।
आँच थोड़ी स्लो कर ली है और अब मैं इसमें स्पाइसेस डालने लगी हूँ। पहले हम डाल रहे हैं ज़ीरा हाफ टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हम लोग डालेंगे 2 टेबल स्पून, क्योंकि मैं ज़्यादा यहाँ पे पुलाव बना रही हूँ, ऑलमोस्ट 1 kg राइस है तो इसलिए मैं 2 टेबल स्पून क्रश्ड डालूँगी मिर्च। ठीक है, गरम मसाला 1 टीस्पून डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसमें यहनी में भी डाला था तो इसलिए मैं यहाँ पे 1.5 टीस्पून डालूँगी। आप लोग टेस्ट कर लीजिएगा, अगर मज़ीद डालना हुआ तो डाल सकते हैं अकॉर्डिंगली कि आपकी यहनी में कितना जो है स्पाइसेस हैं। अब मैं इसमें जायफल और जावित्री डाल रही हूँ, ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है इन दोनों चीज़ों से। आप अपने पुलाव में इसको ऐड कर सकते हैं, किसी भी पुलाव में ऐड कर सकते हैं टू हैव गुड टेस्ट। खुश्क धनिया डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून, एक हम ये तेज़पात डालेंगे बे लीफ जिसको कहते हैं, ये हमने डाल दिया। ठीक है, अब हम इसमें इसको थोड़ा सा करेंगे हम फ्राई, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें गोश्त। ठीक हो गया, अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आप लोग स्पाइसेस को अपने जो क्वांटिटी है राइस की उसके अकॉर्डिंगली डालें। ठीक है, मैं यहाँ पर 1 kg राइस के लिए डाल रही हूँ। टमाटर की पेस्ट डालने लगी हूँ मैं इसमें, इसमें मैंने टमाटर की पेस्ट डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। यह है यहनी जो मैंने सेपरेट कर ली थी, अब हम इसको मेयर करके डालेंगे इसके अंदर। जैसे कि 1 kg राइस है तो उसके डबल जो है वो पानी होना चाहिए, तो हम इसको मेयर कर लेंगे और अगर ये कम हुई तो हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको ऐड करने जा रही हूँ उसके अंदर। के अंदर मैयर करके पानी डाल दिया है, तकरीबन 3 गिलास चावल थे तो मैंने ऑलमोस्ट 6 ग्लासेस वाटर इसमें ऐड किया है, जिसमें कुछ यहनी थी और कुछ वाटर था। ठीक है, अब हम इसके बॉयल आने का वेट करेंगे और उसके बाद इसमें चावल ऐड करेंगे। मैंने इसमें नमक, काली मिर्च और क्रश मिर्च जो है वो और डाली थी, क्योंकि मुझे स्पाइसेस कम लग रही थी, तो मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून क्रश चिलीज एंड 1 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर जो है वो मैंने डाली है। ठीक है ना, कि उसको ज़्यादा स्पाइसेस होने चाहिए ताकि जब चावल ऐड हो तो वो बैलेंस हो जाए। ठीक है ना, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं, मैं सेलर राइस यूज़ करती हूँ और मेरी ज़्यादातर वीडियोस में यही चावल जो है मैंने यूज़ किया हुआ है। इसको ज़्यादा देर भिगोना पड़ता है तो मैंने इसको तकरीबन 1 घंटा पहले जो है वो भिगो के रखा हुआ था, तो अब मैंने इसमें डाल दिए। ठीक है, अब मैं यहाँ से ग्रीन प्याज जो है वो काटूँगी, और मेरी ज़्यादातर वीडियोस में मैंने फ्रेश ही यूज़ किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से मौसम है इसका तो इसका फ़ायदा उठाया जाए और इसको भी डाला जाए। आप उसमें बिरयानी और पुलाव की जब तक खुशबू ना अच्छी आए तो मज़ा नहीं आता, तो इसको भी हम ऐड करेंगे बीच में दम देते हुए। मैंने ग्रीन प्याज काट लिया है और अब मैं किचन में जा रही हूँ उसको लेके अंदर डालने के लिए। ये तकरीबन तैयार होने वाले हैं, उसके बाद हम इसको स्टीम देंगे। और मैंने यहाँ पे कुछ ग्रीनरी रखी है जो कि मैं ऐड करूँगी। ये मैंने आपको लेके आई थी बाहर से उतार के, ग्रीन प्याज और धनिया है, हरी मिर्चें हैं, ये मैं दम देते हुए डाल दूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं बना के आपको बताती हूँ। मैंने ग्रीन इंग्रेडिएंट्स डाल के तो इसको दम पे रख दिया है। ठीक है, अब विद इन 5 मिनट्स ये रेडी हो जाएगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। ठीक है, तो ये है हमारा मज़ेदार सा पुलाव जो कि मैंने आज बनाया है स्पेशल अपनी सारी फैमिली के लिए। आप भी ट्राई करें और बताएं मुझे कैसा एक्सपीरियंस रहा, और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी कहें कि इसको सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू आर नॉट माई सब्सक्राइबर सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।